नमस्कार। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पवन सिंह के फ़ैन हैं कि खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको एक्चुअल में फैक्ट के साथ और सबूत के साथ बता दूंगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअल बड़ा सुपरस्टार कौन है। ये बड़ा ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी विवाद वाला क्वेश्चन है कि पवन सिंह बड़े सुपरस्टार हैं कि खेसारी लाल यादव बड़े सुपरस्टार हैं। अलग अलग यूट्यूबर के अलग अलग राय होते हैं, जिस तरफ जाइएगा वही सुपरस्टार आपको बड़ा लगेगा। लेकिन एक्चुअल हम किसी सुपरस्टार को बड़ा मानते कैसे हैं? यूट्यूब के व्यू जाने से नहीं, बहुत ज़्यादा फिल्में चल जाने से नहीं, तो फिर मानते कैसे हैं? तो देखिए, कोई भी कंपनी को कोई भी सुपरस्टार ज़्यादा पैसा कमा के देता है तो कंपनी के नज़र में वो बड़ा सुपरस्टार है, और बड़े सुपरस्टार का मतलब भी वही होता है। अब इसमें सवाल ये कि खेसारी लाल यादव ज़्यादा कमा के देते हैं, और कुछ लोग कहेंगे नहीं, पवन सिंह जैसा कौन कमा सकता है। तो इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि आखिर भोजपुरी के गाने कमाती कैसे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी गाने के कमाने के तीन मेन मॉडल हैं, तीन तरीके से गाना पैसे कमाती हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रीमिंग, दूसरा तरीका है रेडियो, टीवी और कॉपीराइट, और तीसरा तरीका है फिल्म प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर। ये तीनों तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए आपको थोड़ा बारीकी से अच्छे से इसको समझा देते हैं। सबसे पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना आया, नाच की मलकिनिया। वो गाना सारे गामा हम भोजपुरी को सारा राइट बेच दिए खेसारी लाल यादव, मतलब खेसारी लाल यादव पैसा लिए और वो साइड हो गए, सारे गामा हम भोजपुरी को दे दिए, आपको इस गाने के साथ जो करना है वो कीजिए। अब सारे गामा हम भोजपुरी तीन तरीके से पैसे कमाने के बारे में इस गाने के बारे में सोचेगी। सबसे पहला होगा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग में आएगा यूट्यूब, यानी कि सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब पे उस गाने को अपलोड करेगी, बहुत ज़्यादा व्यूज आएगा, वहाँ से ऐड के माध्यम से वो लोग पैसे कमाएंगे। दूसरा होगा किसी एप्लीकेशन को वो गाना बेच देना। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे गाना, अमेजोन म्यूजिक, आईट्यून, जैसे तमाम एप्लीकेशन जहाँ पे आप कुछ पैसे देते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री भी होते हैं, जहाँ से सारेगामा हम भोजपुरी पैसा लेगी और वो गाने के सारे राइट को बेच देगी। तो ये हुआ पहला तरीका पैसा कमाने का। आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका होता है रेडियो, टेलीविज़न एंड कॉपीराइट क्लेम। जैसे आप देखते होंगे कि भोजपुरी गाने जो होते हैं वो बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, और वो चैनल पे चलाने के लिए सारे गामा हम भोजपुरी से उस चैनल वाले को वो गाना खरीदना होगा, और फिर सारे गामा हम भोजपुरी को वो पैसे देंगे और वहाँ से कमा लेंगे। सेम केस रेडियो के साथ भी होता है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम क्या है? देखिए, बड़ी म्यूजिक कंपनी जो होती है वो अगर कोई भी गाने का कोई भी पार्ट इस्तेमाल करता है तो उसको कॉपीराइट क्लेम देती है। क्लेम के माध्यम से कोई भी क्रिएटर अगर उस गाने को यूज करता है तो उस वीडियो का सारा पैसा सारेगामा हम भोजपुरी को जाएगा। जैसे ये वीडियो है और इस वीडियो में हम नाच की मलकिनिया गाना ऐड कर देते हैं, तो ये सारे वीडियो पे जितना भी कमाई होगी वो सारा सारेगामा हम भोजपुरी को चला जाएगा, और यहाँ से ये पैसे कमा लेंगे। तो ये हुआ दूसरा तरीका। और अब हम आपको बताते हैं तीसरा और सबसे आखिरी तरीका, वो है फिल्म स्पॉन्सर और प्रोडक्ट प्लेसमेंट। देखिए, फिल्म जो होता है, किसी भी गाने को देखते होंगे पहले एल्बम रिलीज होता है, जैसे जाहो चंदा ले आओ खबरिया, और वो गाना किसी फिल्म में चला गया। सारेगामा हम भोजपुरी है वो क्या करेगा, गाना बेच देगा फिल्म वाले को, और फिल्म वाले इनको पैसा दे देंगे, तो यहाँ से भी इनकी मोटी कमाई हो जाएगी। अगर उस गाने का वीडियो रिलीज होता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा कुछ प्रोडक्ट, जैसे कोई सुपरस्टार हेडफोन पहने होंगे, कुछ सुपरस्टार घड़ी पहने होंगे, कुछ सुपरस्टार बाइक चला रहे होंगे, मतलब उसमें किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है। और तीसरा आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में भी प्रोडक्ट ही होता है, जैसे प्रोडक्ट का नाम ले लिया जाता है, जैसे कोलगेट आपने सुना होगा गाना। इस तरीके के तमाम ऐसे गाने होते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड गाने होते हैं। इस तरह कमाई करती है कंपनी एक सुपरस्टार से। अब सुपरस्टार वो खेसारी लाल यादव भी हो सकते हैं और वो पवन सिंह भी हो सकते हैं। अब कंपनी बड़ा सुपरस्टार किसको डिसाइड करती है? अभी आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव का एक गाना आया नाच की मलकिनिया, और दूसरा गाना आया पुदीना। अब इस दोनों गाने को अपनी अपनी म्यूजिक कंपनी खरीद ली, और जिस गाने पे जितना ज़्यादा कंपनी पैसा कमाई होगी, जैसे मान लेते हैं एक गाने से 1 करोड़ रुपया कमाई और पवन सिंह के गाने से 90 लाख रुपया कंपनी कमाई, तो अब कंपनी के नज़र में खेसारी लाल यादव बड़े सुपरस्टार हैं और पवन सिंह थोड़े से छोटे सुपरस्टार हैं। लेकिन अगला ही गाने में पवन सिंह पटकनी दे देते हैं, खेसारी लाल यादव का गाना 90 लाख रह जाता है और पवन सिंह का गाना 1 करोड़ हो जाता है, तो फिर कंपनी बड़ा सुपरस्टार मानेगी पवन सिंह को। तो देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे जैसे तमाम 1:20 के सुपरस्टार हैं ना, वो सब एक तरह के होते हैं। आप कितना भी लड़ाई कीजिए, कितना भी विवाद कीजिए, आप एक व्यूअर होके क्या कीजिएगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
इससे पता है फायदा किसको होगा? वो यूट्यूबर को जो दलाली करते हैं किसी एक सुपरस्टार के बारे में। जैसे आप एक इसको ले लीजिए, अपने पांडे जी को, ये दिन भर आए कहते हैं ये रिकॉर्ड बन गया, वो रिकॉर्ड बन गया, उससे कुछ नहीं होता है। मतलब ऑडियंस के 0.05% भी आप लोग उनको नहीं देखते हो और ना ही सपोर्ट करते हो। वो लोग जो भी होते हैं, जैसे कोई भी किसी भी सुपरस्टार के बारे में अगर दलाली करता है तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाता है और आप बेवकूफ़ बन के नीचे कमेंट करते हैं भैया जी आप तो मतलब एकदम आग लगा दिए हैं, भैया जी बिग फैन। मतलब देखिए, इन लोगों का एक ही सपना होता है कि हम फिल्म में चल जाए, गाने में चल जाए, म्यूजिक कंपनी बड़ा कर लें, बस हो गया मेरा काम खत्म। लेकिन आपको सच से कोई रूबरू नहीं कराता। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आप समझे होंगे कि कोई बड़ा सुपरस्टार कैसे बनता है और कोई छोटा कैसे रह जाता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल, यहाँ पे आके फॉलो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम और आप मिलके बातें करेंगे वहाँ पे खूब सारा। नमस्कार, दीजिए इजाज़त।